नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के इतिहास से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि पटवारी, हरियाणा पुलिस, क्लर्क, क्राफ्ट्समैन, अध्यापक भर्ती, एसटेट आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एसएससी की विभिन्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्राचीन काल में हरियाणा अन्य किन नामों से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में हरियाणा परमावर्त प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, ब्रह्मश्री प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, ब्रह्मा की उत्तर वेदी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन्हीं इन सब नामों से हरियाणा को जाना जाता था। किस भरतवंशी राजा ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो राजा सुदास ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा गया था? तो महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था। मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? जो पहले हरियाणा में नहीं दोस्तों बल्कि पूरे इंडिया में जो जनपद हुआ करते थे, महाजनपद हुआ करते थे, उनका स्थान हरियाणा में किस चीज ने ले लिया था? तो वो स्थान ले लिया था हरियाणा में खापों ने। हरियाणा में जो खा पंचायत होती है, उन्होंने जनपदों का स्थान ले लिया था। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो बौद्धकालीन जो महाजनपद हुआ करते थे, उनमें हरियाणा के कौन कौन से हिस्से शामिल थे? तो कुरु, ये भी उसमें शामिल था, पांचाल, ये भी उसमें शामिल था, अंग, ये उसमें शामिल नहीं था। तो इसका आंसर होगा कुरु और पांचाल दोनों। प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रेयगण की राजधानी था? तो हरियाणा का अग्रोहा अग्रेयगण की राजधानी हुआ करता था। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में। हरियाणा का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो हरियाणा का थानेश्वर जो नगर था वो राजधानी था राजा हर्षवर्धन की। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो 12वीं शताब्दी में राजा अर्णो ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो दोस्तों, वो प्रयास बलबन द्वारा किया गया था 1265 ईस्वी में। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था फतेहाबाद को। हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो हरियाणा के हिसार पर भी तैमूर ने आक्रमण किया था, सिरसा पर भी और फरीदाबाद पर भी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि तैमूर ने हरियाणा के हिसार में भी आक्रमण किया था, सिरसा पर भी और फतेहाबाद पर भी। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1526 में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, वो हुआ था हरियाणा के पानीपत में, जिसे पानीपत की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो जो अकबर के शासनकाल के दौरान रेवाड़ी का जो शासक था वो था
हेमचंद्र, जिनको हेमू के नाम से भी जाना जाता है। अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? अकबर और हेमू के बीच जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 ईस्वी में। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? जो अंग्रेज शासक थे जॉर्ज थॉमस, उन्होंने प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था खासी का दुर्ग। खासी के दुर्ग को जॉर्ज थॉमस ने जो अपनी राजधानी बनाया था। 1802 ईस्वी में प्रदेश में किस स्थान पर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी? तो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी बहरामपुर में। में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो उस 1809-10 में हरियाणा था अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में। 1809-10 में पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों का शासन हो चुका था। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 को। महाभारत काल से शताब्दियों वर्ष पूर्व आर्यवंशी गुरुओं ने हरियाणा में किस युग का प्रारंभ किया था? तो जो शताब्दियों वर्ष पूर्व आर्यवंशी गुरुओं ने हरियाणा में जो जिस युग का शुरुआत किया प्रारंभ किया था वो था कृषि युग। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था? तो जो श्री कृष्ण द्वारा जो गीता का उपदेश दिया गया था वो दिया गया था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई थी? तो युद्ध काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश की संज्ञा दी गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में प्रदेश के किस स्थान के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है। तोमरो शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला व संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये जो जानकारी मिलती है यशती तलक चंपू नामक ग्रंथ से। 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय ताउडू के प्रगने का शासक कौन था? तो उस समय ताउडू के प्रगने का शासक था जलाल खान। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंढार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? तो इनकी रियासत थी कैथल के प्रगने मंढार में। 1756-57 में हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? तो 1756-57 में हरियाणा था मराठों के अधिकार क्षेत्र में। अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग जो अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल जो जिले पड़ते हैं वो किसको सौंप दिया था? तो उन्होंने अपने देश लौटते वक्त ये सौंप दिए थे सरहिंद के गवर्नर जैन खान को। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो जो मेरठ क्रांति के समय जो मेरठ का जो नायब कोतवाल था वो था रामकृष्ण गोपाल। नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों ने किन तीन शक्तियों को नष्ट कर दिया था? तो वो तीन शक्तियां थी रेवाड़ी, छज्जर और जोधपुर, ये उपरोक्त सभी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी नेताओं का नेतृत्व किया था? तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम में राजा नाहर सिंह ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था। हरियाणा के किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को
महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान जो जींद रियासत है उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 1886 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका नेतृत्व किया था पंडित दीनदयाल शर्मा, लाल मुरलीधर, बाल मुकुंद गुप्त, इन तीनों ने ही उस कलकत्ता अधिवेशन का प्रतिनिधित्व किया था। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और राजसामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? तो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो लाला लाजपत राय थे, तो उन्होंने हरियाणा के हिसार को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया था लाला लाजपत राय ने। 8 अप्रैल 1919 के दिन महात्मा गांधी ने हरियाणा में किस स्थान से गिरफ्तारी दी थी? तो 8 अप्रैल 1919 के दिन महात्मा गांधी ने हरियाणा के पलवल से अपनी गिरफ्तारी करवाई थी। रोहतक में पंडित रामभद्र दत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन को कार्य रूप देने का निर्णय लिया गया था? तो ये हुआ था नवंबर 1920 में। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 12 जनवरी 1932 को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में या ईमेल आईडी पर आप हमें उसकी जानकारी जरूर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि हम आने वाले कुछ समय में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोज आपके लिए लेके आने वाले हैं जो हरियाणा की हर परीक्षा में आपको अच्छे नंबर दिलाने में और सिलेक्शन करवाने में मदद करेगा। धन्यवाद।